बताएं कि वज़ीर इत्तलात मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं, आइए आपके लिए चलते हैं। और कानूनी हक भी हासिल है कि वो इन तमाम चीज़ों से निकल सकते हैं, लेकिन फिर भी कभी भी उन्होंने कोई इस तरह का इन्फ्लुएंस यूज़ करने की बात नहीं की। 3.5 साल में अगर आप जो परफॉर्मेंस है प्राइम मिनिस्टर मियां नवाज शरीफ की, और ये हर दौर में उनके साथ होता है, पिछले अदवार में भी वो इस तरह के कठिन इम्तहान से गुजर चुके हैं। अगर आप सिर्फ 3 चीज़ों के ऊपर गौर करें, जिसके अंदर इकोनॉमी, जिसका दिवालिया निकला हुआ था 2013 के अंदर और आप सब ने रिपोर्टिंग की हुई है उसके ऊपर, अगर आप लोड शेडिंग पावर सेक्टर को देखें तो 16 से 18 घंटे की लोड शेडिंग थी। उसके बाद अगर आप दहशतगर्दी को देखें तो 2400 कुछ दहशतगर्दी के वाकयात सालाना थे, और इस वक्त वो तमाम वाकयात दहशतगर्दी पे जिस तरह तमाम सूबाई हुकूमतों ने प्राइम मिनिस्टर के साथ मिलकर उसके दहशतगर्दी के ऊपर काबू पाया है और जो परफॉर्मेंस की है वो आप सबके सामने है। इसके बाद जो मोटरवे, जहां नवाज शरीफ छोड़ के जाता है मोटरवे भी वहीं से आकर नवाज शरीफ शुरू करते हैं। एनएफसी अवार्ड पाकिस्तान में हो, पानी की तकसीम पाकिस्तान में हो, 19 साल के बाद मरदम शुमारी अगर पाकिस्तान में हो तो वो भी मियां नवाज शरीफ के हाथों होती है। अगर लोड शेडिंग 4 से 6 घंटे के ऊपर आती है 3 साल में, जिसके अंदर प्रोजेक्ट्स भी लगते हैं, वो इंप्लीमेंट भी होते हैं और उससे बिजली भी पैदा होती है और जो वेस्टेज है उसको भी काबू पाया जाता है, पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज एशिया की सबसे बड़ी स्टॉक एक्सचेंज बनती है, पाकिस्तान की इकोनॉमी के बारे में ये आर्टिकल्स लिखे जाते हैं जिसके अंदर तमाम इंटरनेशनल अदारे पाकिस्तान की बढ़ती हुई इकोनॉमी, जिसमें एक डिस्पाइट बीइंग अ टेरर हब पाकिस्तान इज द साइनोजर ऑफ इन्वेस्टर्स आइज, वॉशिंगटन पोस्ट, प्राइसी पाकिस्तान स्टॉक्स हैव रूम टू रन टाइकून, पाकिस्तान इज एशियाज गो टू मार्केट हाई रिटर्न्स, पाकिस्तान्स मिडिल क्लास सोर्स एज स्टेबिलिटी रिटर्न बैक टू पाकिस्तान, पाकिस्तान में गुर्बत में कमी और लोगों में खुशहाली आई, पाकिस्तान के अंदर करप्शन की कमी हुई 2016 के अंदर, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एंड पुअर कोई सर्वे उठा लें। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर की मकबूलियत के सर्वे, चाहे वो गैलप इंटरनेशनल हो, चाहे वो पिल डैट हो, चाहे वो RII का सर्वे हो, पाकिस्तान के अंदर कोई बाय इलेक्शन हो चाहे 1-2 को छोड़ के, और पाकिस्तान की तमाम लोकल गवर्नमेंट बॉडी के इलेक्शन हो, प्राइम मिनिस्टर मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान के 3री दफ़ा मुंतखब वजीर आजम और अभी इस वक्त सबसे मकबूल तरीन पॉपुलर लीडर ऑफ पाकिस्तान है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर मुखालफीन और पाकिस्तान के बाहर बैठे हुए मुखालफीन, जो पाकिस्तान की इस तरक्की को, चाहे वो CPEC हो, चाहे वो इकोनॉमी की स्ट्रेंथनिंग हो, चाहे वो दहशतगर्दी से पाक पाकिस्तान हो, उनसे बर्दाश्त नहीं होती। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आपने पाकिस्तान को आगे बढ़ते देखना है या नहीं, प्राइम मिनिस्टर मियां नवाज शरीफ के बाजू बनना है या नहीं। और इसके साथ साथ जो एक पूरी कैंपेन इस वक्त स्टार्ट हुई हुई है सोशल मीडिया और मीडिया के ऊपर, वो क्यों कर रहे हैं, वो क्यों हो रहा है, उसके मकसद क्या हैं, उसके मकासद क्या हैं। इसके बाद 4 बातें, टैक्स चोरी, मनी लॉन्ड्रिंग, एसेट छुपाए गए, पाकिस्तान की कौम का पैसा लूटा गया, मरियम नवाज बेनिफिशरी उनको साथ जोड़ा गया, प्राइम मिनिस्टर को उनके साथ जोड़ के मरियम नवाज के साथ उनको जोड़ा गया पैनामा लीक्स में, हालांकि खुद ये खबर आप लोगों ने रिपोर्ट की कि पैनामा लीक्स में मियां नवाज शरीफ का नाम नहीं है। पहले धांधली के ऊपर ड्रामा रचाया गया, उसके बाद पैनामा के ऊपर सियासत चमकाई गई, मीडिया ट्रायल किया गया, आखिर क्यों? वो इसलिए कि मियां नवाज शरीफ आलमी दुनिया के वो मकबूल तरीन वज़ीर आज़म और लीडर बन चुके हैं, जिनसे पाकिस्तान के अंदर मुखालफीन को तो डर है ही, लेकिन जो बाहर बैठे हुए पाकिस्तान के मुखालफीन हैं, जिनका साथ पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए मियां नवाज शरीफ के मुखालफीन दे रहे हैं, उनको ये मालूम नहीं कि वो दुश्मनी शायद नवाज शरीफ के साथ कर रहे हों या अपनी सियासत चमका रहे हों, लेकिन असल में दुश्मनी वो पाकिस्तान के साथ कर रहे हैं। और अगर ये सिलसिला इस तरह चलता रहा, हम भी डॉक्यूमेंट्रीज बना सकते हैं। मौजूदा वज़ीर आज़म के पास वो तमाम वसाइल मौजूद हैं जिसके ज़रिए वो फिल्में भी बना सकते हैं, डॉक्यूमेंट्रीज भी बना सकते हैं, अदारों को असरअंदाज भी कर सकते हैं, लेकिन ये असूली फैसला और इसके साथ साथ वो तमाम प्रिविलेज, वो तमाम अस्तस्ना, वो तमाम कानूनी हक उन्होंने अपनी और अपनी फैमिली का लेट गो किया और ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करेगी उसकी अपील में भी वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ नहीं जाएंगे। लेकिन उसके बरक्स वो लोग जिनके पास ना सबूत, ना कागज़, ना कोई आर्ग्यूमेंट, जो मियां नवाज शरीफ फैमिली के इस दस्तावेज़ के ऊपर
पैनमा केस जिन्होंने लड़ा और अपनी सियासत चमकाई, वो मीडिया ट्रायल जो मियां नवाज शरीफ और उनकी फैमिली, उनकी बच्ची, उनके बच्चों के का हुआ, वो आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी का नहीं हुआ। जब ज़ाब्ता इखलाक की बात करते हैं तो वो मुस्लिम लीग नून के लिए और, मियां नवाज शरीफ के लिए और आपके लिए कोई और। जब आप बात करते हैं इस किस्म की कि ये हो गया, ख्वातीन के बारे में ये गुफ्तगू की गई और इस तरह, बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है। इसके बारे में बयानात भी आ चुके हैं, लेकिन वो ज़ाब्ते और उसका जो यार्ड स्टिक है वो सबके लिए बराबर होना चाहिए। हम 70 साल पहले का जवाब दे रहे हैं। पाकिस्तान की तारीख में पाकिस्तान के किसी शहरी ने ये जवाब नहीं दिया जो अपने महरूम वालिद के बिजनेस का जवाब दे रहे हैं। तो अब तमाम कानूनी हक होने के बावजूद ये जवाब दिया जा रहा है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मियां नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून वो वाहिद जमात है पाकिस्तान की जिसके ऊपर कभी भी करप्शन से रिलेटेड कोई एलिगेशन नहीं लगा, और जितनी दफ़ा इल्ज़ामात लगे उन तमाम लोगों को पाकिस्तान के हर अदारे में मात हुई, क्योंकि मियां नवाज शरीफ की सियासत पाकिस्तान की तरक्की की सियासत है, पाकिस्तान के लोगों की सियासत है। और इसके साथ साथ आखिर में जो मीडिया ट्रायल मरियम नवाज का हुआ, वो मीडिया ट्रायल, वो इल्ज़ामात किसी की बहनों और किसी की बेटियों के बारे में नहीं होते। उनके ऊपर किस किस्म के, आप अगर ग्राफिक्स देखें, और अभी भी जो सोशल मीडिया के ऊपर ग्राफिक्स, आज बयान आया कि मरियम नवाज ने किस हैसियत के साथ पार्लियामेंट के अंदर पार्लियामेंटेरियंस को एड्रेस किया, तो मरियम नवाज की हैसियत पाकिस्तान की कौम ने डिसाइड करनी है। मरियम नवाज ने पाकिस्तान का पहला हेल्थ केयर प्रोग्राम लॉन्च किया जो गरीब लोगों के इलाज मालजे के लिए, मुफ्त इलाज के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर वो मौके फराहम कर रहा है। मरियम नवाज ने इस्लामाबाद के 422 स्कूलों और कॉलेजों का रिफॉर्म इंट्रोड्यूस किया, उसकी वो आर्किटेक्ट हैं। और अगर आप रिपोर्ट देखें इस वक्त एजुकेशन के इंडिकेटर्स की, तो इस्लामाबाद वो वाहिद जगह है जो आउटशाइन कर रहा है पाकिस्तान के सारे सूबों को। मरियम नवाज ने पाकिस्तान का पहला यूथ लोन प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया, ये हैसियत है। मरियम नवाज पाकिस्तान के दिलों के अंदर राज कर रही हैं। तो जो सवाल उठाते हैं, पहले वो इन चीज़ों का जवाब दें जिनकी हुकूमत है एक सूबे के अंदर, और इन तमाम चीज़ों को परफॉर्मेंस से काउंटर करें। आखिर में आप जितनी साजिशें कर लें, आप जितनी स्पॉट्स, डॉक्यूमेंट्रीज और इस किस्म की मनफी कैंपेन करें, सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो ऑनरेबल जजेस ने खुद कहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पॉपुलर फैसले नहीं देती, सुप्रीम कोर्ट दबाव में फैसले नहीं देती, और पाकिस्तान की जुडिशरी के ऊपर हमें फख्र है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला पाकिस्तान के आईन और कानून के मुताबिक आएगा, और जिस तरह के हम पहले कह चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा वो हमें कबूल होगा। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग के नून के जो वोटर्स हैं अपने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर, उनको भी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर उतना ही एतमाद है जितना हम सबको है। इसलिए ये जो मनफी कैंपेन इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर, मेरा जो आखिर में ये एक पैगाम है और ये एक मैसेज है कि जितनी कैंपेन इस वक्त स्टार्ट हुई है, अगर उसके ऊपर कार्रवाई स्टार्ट हुई, क्योंकि ये डेफेमेशन लॉ के अंदर आता है और साइबर क्राइम बिल के अंदर आता है जो कि लेजिस्लेशन का इस वक्त हिस्सा है, और अगर वो कार्रवाई हुई तो उस वक्त इसके ऊपर पॉलिटिक्स जो होगी उसका जवाब पाकिस्तान की आवाम देगी, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से मोहब्बत करती है, क्योंकि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान की कौम की सियासत करते हैं। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बहुत शुक्रिया जी आप सबका यहाँ पर हाजिर होने का। जैसे कि मरियम साहिबा ने आपको तफसील से बताया है, पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ हलकों के हवाले से, भाईजान प्लीज, मुख्तलिफ हलकों के हवाले से एक कैंपेन की शक्ल जो है वो इस फैसले से पहले फैसले देने की तगोदो में लगी हुई है, और उसके ज़रिए से पाकिस्तान के अवाम के जहनों को और पाकिस्तान का जो पब्लिक ओपिनियन है उसको
بجائے کہ اس چیز کا کہ قانون اور آئین کے تحت فیصلہ ہونے کا انتظار کیا جائے، اس کو پہلے ہی انفیکٹ اور میڈیا ٹرائل کے ذریعے امپریس اور چینج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. میں دو لفظ ہیں مین جن کے اوپر میں فوکس کرنا چاہوں گا جو اس سارے پروسیس کو ایک کوزے میں بند کر دیتے ہیں. ایک لفظ ہے جو آغاز میں ابتدائی میں آ گیا تھا، وہ لفظ تھا ٹوتھلیس کا. ٹوتھلیس کے لفظ میں جو جسٹس جمالی صاحب نے پہلے دن کمیشن بنانے کے نوٹس کے اوپر کہا وہ تھا وہ یہ ان کا میں خط کا جواب آپ کو پیراگراف پڑھ کے سنا رہا ہوں. دی ٹرمز آف ریفرنس انکارپوریٹڈ ان دی اٹیچ نوٹیفیکیشن آر سو وائڈ اینڈ اوپن اینڈڈ دیٹ پرائما فیسائے اٹ مے ٹیک ایئرز ٹوگیدر فار دی کمیشن ٹو کنکلوڈ اٹس پروسیڈنگز. دیئر فور بفور فارمنگ اینی اوپینین آن دی فارمیشن آف دی ریکویزٹ کمیشن، بفور فارمنگ اینی اوپینین آن دی فارمیشن آف دی ریکویزٹ کمیشن، میں دوبارہ عرض کرتا ہوں، of inquiry or otherwise it is necessary to have the list of all individuals, families, groups, companies, etc. with their total number, ye phone aapka kar raha hai, with their total number along with some relevant particulars against whom purported inquiry proceedings are to be held under paragraph number 1A and 1B of the terms of reference. یہ اس وقت کا ہے جی، اس کی ڈیٹ ہے 13 مئی 2016، جو کہ 22 اپریل 2016 کو لیٹر لکھ دیا گیا تھا کمیشن بنانے کے لیے. اور اس کے بعد جو نیکسٹ اس میں کاروائی ہوئی کہ قانون بنانے کی وہ سارا سلسلہ شروع ہوا 24 جون 2016، پی ٹی آئی نے الیکشن کمیشن میں اپنی درخواست فائل کی کہ پرائم منسٹر صاحب کو 62/63 کے تحت ڈسکوالیفائی کیا جائے. اور اس کے بعد اگست کے مہینے میں، اگست کے غالباً 24 تاریخ کو، پی ٹی آئی نہیں، جماعت اسلامی نے فائل کیا آرٹیکل 184 کے تحت سپریم کورٹ میں، جماعت اسلامی نے پٹیشن کی. اور وہ بھی پٹیشن شخص واحد سپیسیفک نہیں تھی، وہ پٹیشن تمام اس پینل میں جو لوگ نامزد تھے اور لوگ جو اس طرح کے کام کرتے ہیں آف شور والے، وہ آپ بخوبی واقف ہیں کون کون ہیں، ان کے بارے میں تھی. اور جو 24 جون کی الیکشن کمیشن والی تھی، اس کی تاریخیں لگنی شروع ہوگی، اس کی ہیئرنگ شروع ہوگی. پہلی مرتبہ وہاں پر جو مریم نواز صاحبہ زیر کفالت نہیں ہے، اس کا ثبوت پیش کیا گیا الیکشن کمیشن میں. اور اس پروسیس میں جو اگست کی 24 تاریخ کو شروع ہوا، اس میں جماعت اسلامی کی جو پٹیشن ہے وہ فرولس ڈکلیئر کر دی گئی. جو جماعت اسلامی کی پٹیشن ہے، جو تمام پینما پیپرز کے لوگوں کے اوپر مشتمل تھی، کچھ 400 450 لوگ ہیں، جس کے بارے میں آپ کو میں نے 13 مئی کا پڑھ کے سنایا کہ ان کے پرٹیکولرز، ان کے نام، ان کے سارے شواہد جو نہیں آئیں گے تو اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا. تو وہ فرولس ڈکلیئر ہوئی، اس پہ کوئی رد عمل جو ہے اس طرح کا نہیں آیا. لیکن جب 29 اگست کو اسی طرح کی پٹیشن جو شخص واحد اور ان کے لواحقین کے اوپر ہے، اس کو جب فریولس ڈکلیئر کیا جاتا ہے اس کے اگلے دن 30 اپریل کو، اور اس کی وجہ بیان کی گئی ہے، یہ غلط بات ہے کہ اس کی وجہ بیان نہیں کی گئی، اس میں لکھا گیا تھا کہ اکارڈنگ ٹو سپریم کورٹ 1980 رولز یہ جو ہے فریولس ڈکلیئر کی جاتی ہے اور واپس کی جاتی ہے. وہ ہوا میں نہیں تھا کہ کسی نے اپنے من مرضی کے تحت وہ واپس کر دی گئی تھی، آپ پڑھ لیں وہ، اس کی ڈیٹیل پڑھیں. اور اس کے بعد اکتوبر کی 7 تاریخ کو درخواست دی جاتی ہے کہ اس کی ہیئرنگ کی جائے، اور اکتوبر کی 7 تاریخ کو لاک ڈاؤن اناؤنس ہوتا ہے. اور لاک ڈاؤن اناؤنس کرنے کے بعد یہ سارے جلسے جلوس بھی ساتھ چل رہے ہیں، اور یہ کہا جاتا ہے کہ اکتوبر کی 10 تاریخ کو کہ یہ ارلی ہیئرنگ کی جائے ہماری پٹیشن کی. اور اکتوبر کی 20 تاریخ کو، جبکہ یہ سارا رائیونڈ والا اور یہ دوسرے تیسرے یہ ساری چیز چل رہی ہے، وہ ایکسیپٹ کی جاتی ہے. اور 28 تاریخ کو اس کا بینچ بڑھایا جاتا ہے اکتوبر کے. اور نومبر کی 2 تاریخ کو جو لاک ڈاؤن ہوتا ہے، نومبر کی 1 تاریخ کو اس کی ہیئرنگ ہوتی ہے. اور 1 تاریخ کو کیا کہا جاتا ہے کہ وہی جو کمیشن ہے اس کے لیے ٹی او آر جو ہیں دونوں پارٹیاں فراہم کریں.
बात वापस कमीशन पे चली और फिर वो जो 13 मई वाली थी, और फिर क्या होता है कि ये सारी बात सुन के दिसंबर की 9 तारीख को दोबारा से आता है ऑर्डर कि जी हमने पूछा है, सुप्रीम कोर्ट ये ऑर्डर देती है, ये ऑर्डर मेरे पास है, ये 9 दिसंबर का ऑर्डर है जिसमें ये कहते हैं कि वो जो पहले नवंबर को टीओआर के लिए कहा गया, किसके लिए? कमीशन के लिए। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की जारी है जिसमें दानियाल अजीज और मरियम औरंगजेब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आईन और कानून के मुताबिक आएगा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर वजीर आजम अपील नहीं करेंगे।